हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। एंड गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द स्वाध्याय कृति ऑफ फिफ्थ चैप्टर ऑफ हिंदी, दैट इज ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। तो इस चैप्टर की हम लोग आज स्वाध्याय कृति सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने छापा का स्वाध्याय कृति सॉल्व किया, तो आज पाँचवें चैप्टर पर बढ़े हैं। तो शुरुआत शब्द संसार से। हिदायत का मतलब होता है निर्देश, सूचना। दस्तक मतलब होता है दरवाजे पर आवाज़ करने की क्रिया, मतलब दरवाजे पर आकर जो खटखट करते हैं उसको बोलते हैं दस्तक। इजाज़त मतलब आज्ञा, स्वीकृति। बेतरतीबी मतलब बिखरा हुआ। किफ़ायत मतलब मितव्यय। आप लोगों को किफ़ायत ज़्यादा समझ में आता होगा, मितव्यय कम है। मुहावरे में फूट फूट कर रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। देखते रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। तो अब इसमें क्या क्या आप लोगों को मालूम रहा होगा? इजाज़त मालूम रहा होगा, किफ़ायत मालूम रहा होगा, बाकी भी मालूम रहा होगा तो अच्छी बात है। आइए स्वाध्याय कृति में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले संजाल पूर्ण कीजिए। तो संजाल पूर्ण करने में बोला है शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। शास्त्री जी की स्वभाव की विशेषताएं क्या क्या थीं? तो पहली बात कि वो ईमानदारी करते थे, ईमानदार थे। तो पहला आएगा ईमानदारी, ठीक है। अब दूसरा आएगा सादगी, मतलब सादा जीवन उनका था, तो सादगी। अब सहायता करना, वो क्या करते थे? दूसरों की सहायता करते थे। और चौथा आएगा सरलता, मतलब वो एक सरल इंसान थे, सिंपल इंसान थे। अब यहाँ पे आया है कि परिणाम लिखिए। तो दोस्तों परिणाम लिखिए 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, इसी चैप्टर से आया था, बट ये वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे, उसमें अलग क्वेश्चंस थे। तो उन अलग क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को भारी पड़े थे, बहुत सारे लोग उसका आंसर नहीं दे पाए थे। तो मार्च 19 में ये एग्ज़ाम आए हुए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मतलब स्वाध्याय कृति आप लोग सॉल्व करें। और उसके साथ साथ क्या करें आप लोग, इन क्वेश्चंस में जो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं उनको याद रखें, जैसे परिणाम लिखिए, कारण लिखिए टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग याद रखिए। पहला क्या है? सुबह 5:30-6:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने का परिणाम। दरवाज़ा जब उन्होंने खटखटाया तो नींद टूटी और बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना, तो परिणाम क्या हुआ? नींद टूटना और बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना, ठीक है। नींद टूटना, बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना, ये हो गया पहले का परिणाम। अभी दूसरा, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का परिणाम। तो पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहाँ रुक नहीं सके, मतलब रोने लगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, दोनों भाई यह सुनकर खुद को रोक नहीं सके, वहाँ रुक नहीं सके और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। तो इसमें पहला है टीका, दूसरा है नथुनी मतलब नाक में पहनने वाली बाली, तीसरा है बिछिया, और तीन ही गहनों के नाम इसमें दिए हैं टेक्स्ट बुक में, बट चौथा किसी तरीके से कंफर्म करने के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए दे दिया गया है, चढ़ावे के 5 ग्राम के सोने के गहने। चढ़ावे में भी तो कुछ सोने के गहने मिले थे 5 ग्राम, शायद उसी से इसका रिलेशन है, सोने के गहने। तो चढ़ावे में के 5 ग्राम के सोने के गहने, ये 4 हो गया, टीका, नथुनी, बिछिया, चढ़ावे के 5 ग्राम के सोने के गहने। अब इसमें हम लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार सा खेल दिया गया है। इसमें बोला है कि आप लोग इसमें से विरुद्धार्थी विलोमार्थी शब्दों को ढूंढ कर जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। चलिए ढूंढते हैं, सुख और दुख ये हो गया, फिर प्रसन्न, उसके बाद अप्रसन्न, फिर यहाँ पे हम लोगों को और भी चीज़ें मिलेंगी, ढूंढते हम लोग यहाँ पे, ये रहा देखिए दोस्तों, बुरा,
भला, फिर उसके बाद सुदु प योग, और एक हो जाएगा दुरुपयोग। सुदुपयोग, दुरुपयोग, भला, बुरा, सुख, दुख, प्रसन्न, अप्रसन्न, ये चार चीज़ें। पर जो असल कहना है वह तो आप हैं, इस वाक्य के अभिप्रेत भाव लिखिए। मतलब यहाँ पे दोस्तों जो उनकी पत्नी ने कहा था कि भाई कितने भी गहने बिक जाए पर जो असल गहना है वो तो आप हैं, तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है उनकी पत्नी ने जो कहा था। तो स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं, मतलब कि सिर्फ श्रृंगार करने के लिए वो गहने होते हैं। अगर हम लोग हीरे मोती सोने चांदी की बात करें, गहने अस्थाई नहीं होते हैं, वो कभी भी अस्थाई नहीं होते, कभी भी चले जाते हैं। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है, जो उसके जीवन भर में, जो उसका जीवन भर साथ निभाता है। और वही यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भले ही कितने भी गहने बिक जाए पर जो असल गहना है वह तो है, वो तो मेरे पास है बीबी। कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों का पता चलता है, मतलब कि जो उन्होंने कुर्ते कहा था कि अभी जल्दी ठंड आने वाली है, तो भले ही कुर्ते फटे हुए हैं बट मैं उनको मतलब कि कोट के नीचे दबा कर पहन लूँगा ताकि लोगों को पता ना चले, तो कुर्ते इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इससे उनका क्या पता चलता है, एक तो वो किफ़ायत से रहा करते थे, कंजूस मत बोलना यार, किफ़ायती इंसान थे, किफ़ायत से रहते थे और रहना भी चाहिए। और इसका एक एक सूत खादी के कपड़ों से लगाओ, मतलब उन्होंने कहा था कि इसका एक एक सूत काम आना चाहिए, मतलब वो खादी से काफ़ी लगाव रखते थे। तो खादी के कपड़ों से लगाव, चलिए ये हो गया। अब पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए। बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई नहीं जानते हैं कि परिमाण का मतलब क्या होता है। तो गाइस परिमाण मतलब होता है मेज़र, मतलब कि मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट हो गई, तो जैसे ग्राम, किलोमीटर, पैसे, पाँच, छः, साढ़े, पौने, पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना, ये सब क्या है, परिमाण है। तो वही आप लोग यहाँ पे लिख दें, कौन कौन सा, पौने, साढ़े, पाँच, छः, पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना, किलोमीटर, ग्राम, पैसे, सब। पर शब्द के दो अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा। 2020 में आ चुका है गाइस, ये 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे आप लोग, और मैं आप लोगों को दो मतलब बता देता हूँ। एक का मतलब होता है परंतु, पर का, और एक पर का मतलब होता है चिड़िया के पंख, एक चिड़िया के पंख और एक मतलब परंतु, तो दो मतलब होता है। तो वाक्य में प्रयोग आप कर लें, मैं विद्यालय गया परंतु आज विद्यालय की छुट्टी थी, और फिर पंख, चिड़िया के पंख टूटकर बिखर गए, या फिर चिड़िया उड़ नहीं पा रही है क्योंकि उसके पंख टूटे हुए हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, विषय पर अपने विचार लिखिए, मतलब कि सादा जीवन किस तरीके से लोग व्यतीत करते हैं और फिर अपना विचार उच्च रखते हैं, उस पर आप लोगों को अपने विचार लिखने हैं। आपका विचार कैसा है आइए देखते हैं। आइए, सादा जीवन, उच्च विचार। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक वे जो भौतिक सुखों के को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता है, मतलब कि एक वो टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ जितनी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सबको हासिल करना चाहते हैं, और कैसे हासिल करना है, कैसे पैसे कमाने, ये सब उनके लिए मैटर नहीं करता है, उचित अनुचित तरीके से वो पैसे कमा लेते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। वहीं दूसरे ऐसे लोग जो जितना भी उनके पास है उससे संतुष्ट रहते हैं और अपने परिवार का ऐसे ही निर्वाह करते हैं, उनको कोई परेशानी या फिर कोई ऐसा जलन वलन नहीं होता है कि मेरे पास है, उसके पास नहीं है, मेरे पास भी रहना चाहिए। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है, सिंपल रहते हैं ये लोग, इनका रहन सहन साधारण होता है। विलसिता पूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती, मतलब कि जो भी फैसिलिटी पूर्ण वस्तुएं होती हैं वो सब इनको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं। जीवनावश्यक मतलब कि जीवन के लिए जो ज़रूरी है, जो जैसे कि कपड़ा हो गया,
खाना हो गया, ये सब जीवन के लिए ज़रूरी है, तो इन वस्तुओं से ही अपना गुजारा वो कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सच्चारित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। जैसा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा गांधी का, उनका जीवन एकदम सादा था, यहाँ तक कि वो अपने शरीर पर भी ऐसा ही कपड़ा पहना करते थे, एकदम सादा, कोई कोट पैंट नहीं, कोई वो नहीं। और आज़ादी के बाद भी उन्हें कोई घमंड नहीं था कि मैंने देश को आज़ाद करवा दिया, फिर मैंने इतने दिनों बाद आज़ाद करवा दिया देश को, तो कोई उनको वो नहीं था, वो कोट पैंट में नहीं आए, वो टाइम पे भी वो ऐसे ही रह गए एक संत की तरह। तो वही यहाँ पे कहा गया है, वो गुणगान, उनके गुणगान हम लोग आज भी करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। बिल्कुल सही बात है, इन्हें अगर हम लोग सादा जीवन अगर हम लोग जीना चाहेंगे तो ही हम अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे, तो ही हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम लोग ये चकाचौंध वाली चीज़ों पे जाने लगेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं जा पाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में तो आगे हम लोग जाएंगे और छठा चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।